हार से भी सीख मिलती है, हार गए तो हम पहलवान बनते हैं। सबसे मेन चीज लगन होती है इसमें, जिसको लगन होगी और जो करेगा वो अच्छा होगा। शमशाद, a resident of a village in Palwal, about 70 kilometers south of New Delhi, has been wrestling for about a decade now. Initially, he was practicing in his village, but for the past 8 years, he has been living and training at Jasram Akhada in the capital. He says he spends his days and nights in either practicing kushti or watching videos about champion wrestlers from around the world. Aspiring to be a member of Team India for wrestling in Paris Olympics slated for 2024, Shamshad says wrestling needs his single-minded focus and it is the only way a wrestler can progress. आगे जाएंगे वो मेहनत से जाएंगे, हम सपोर्ट तो मिल रही है बराबर, दुआ भी मिल रही है बराबर, लेकिन हम मेहनत करेंगे तब आगे जाएंगे। भाई मेहनत करते हम आगे जाएंगे नहीं, कोई कितना भी सपोर्ट कर लो आगे भी तो हराना पड़ता है दूसरे वालों को भी, हमारे बराबर मेहनत कर रहा हमसे ज़्यादा कर रहा होगा, हमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। इसलिए दिमाग में जब सोता हूँ सोते टाइम सिर्फ कुश्ती याद रहती है, अब किससे कैसे कुश्ती लड़नी है, किसी से कैसे लड़नी है, कुश्ती के दाव याद आते हैं, यहाँ से ये अटैक मारनी है, यहाँ से ये अटैक मारनी है। जैसे जोरों में कोई गलती हो जाती है तो उस गलती में जैसे गुरु जी डांट देते हैं या हमारा कोच साहब डांटते हैं मुझे, तो उसके बारे में सोचता हूँ यार कोच साहब क्यों डांटा, किस बात पर डांटा, फिर उस गलती को सुधारने की कोशिश करता हूँ रात में ही सोचते सोचते ही। फोन फिर फोन में भी है, फ़ोन लाउड नहीं है लेकिन चलाना खा रहा है, लेकिन जब भी फ़ोन देते हैं मुझे सिर्फ मैं कुश्ती देखता हूँ, फ़ोन में कुछ देखता नहीं हूँ, मेरे अंदर जो है कुश्ती है और इसमें मेरा जिंदगी मेरी कुश्ती सही है। जब सब कुछ है, पढ़ा लिखा इतना है नहीं है, कम पढ़े लिखे, लेकिन जो कुछ है कुश्ती सही है। Shamshad says that he owes his success to continuous support from his village and the Jasram Akhada. 25-30 हज़ार रुपया खर्चा होता महीने का, अभी 2 साल से दंगल बंद चल रहे कोरोना की वजह से, दंगल खड़े नहीं है, अभी सब बंद है दंगल, तो इस वजह से हम अपने इस दंगल से या घर वालों को सपोर्ट करा अभी 2 साल से, तो जो घर वाले भी इतना ठीक भी नहीं है घर से, अभी नॉर्मल है, लेकिन गांव वालों ने सपोर्ट किया है। अभी हाल ही में अवार्ड मिला मुझे 6 तारीख को, बाबा भीमराव अम्बेडकर अवार्ड मिला, जब मेरा गांव में स्वागत करा, मान सम्मान अच्छा करा था, मुझे पैसे भी आए थे, मुझे घी भी आया था गांव से, बादाम भी आए थे, फिर मुझे वो यहीं करके गए, गाड़ी में यहीं से लेके गए थे मुझे गाँव वाले। लाइक मोस्ट अदर स्पोर्ट्स, रेसलिंग टू रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड एनी ब्रेक फॉर एनी रीजन कैन प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर द रेसलर्स, एज बोथ शमशाद एंड आजाद अनदर रेसलर एट द अखाड़ा एक्सपीरियंस्ड। मैं घर नहीं जाता, घर महीने 2 महीने में नहीं जाता, मैं साल साल 6-6 महीने में जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि अलाउड नहीं है, खाड़े गेट लग जाता है दिन में रात में अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी मेहनत अगर हम एक टाइम मेहनत छोड़ेंगे ना तो हमारी 7 दिन की जाती है, जिसके 7 दिन की मेहनत चली गई तो उसके 1 महीने की चली गई, जिसके 1 महीने चली गई उसके पूरे 6 महीने गई, 6 महीने गई उसकी पूरी ज़िंदगी की पहले, इसलिए हमारा गेम ही ऐसा, इसमें हमारा चोट है सिंगार, चोट लगती रहती है हमारा, अभी मेरा चोट लग गई थी, अभी मैंने ऑपरेशन कराया, मेरा ऑपरेशन मुझे 6 महीने हुए मेरे ऑपरेशन को, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद भी मेरे कोच ने और मेरे सर ने जो मेरे गुरु जी है उन्होंने बराबर ट्रेनिंग करवाई थी हाथी हाथों के ऊपर ऊपर 1-1.5 महीने बाद ही तुरंत ही, लेकिन रेस्ट नहीं लिया मैंने। डेंगू हुआ था, 15 दिन में ICU में रहा था, 15 दिन, उसके बाद में एक साल का रेस्ट लिया था, उसके बाद फिर स्टार्ट किया। आजाद सिंह, हु हेल्स फ्रॉम अलीगढ़ इन उत्तर प्रदेश, इज अनदर रेसलर हु हैज बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली एट द जसराम अखाड़ा सिंस 2006। He says within a couple of years of his arrival at the Akhada, he tasted success by winning regional competitions. जितनी सारी दिल्ली के पहलवान हैं सबका दिल्ली का कंपटीशन हुआ, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया शुरू हुए कंपटीशन में, तो गुरुजी ने मेरे लिए बादाम भी दिए, घी भी दिया, बहुत हेल्प करी गुरुजी ने आगे बढ़ाने के लिए, और मेरे पे फिर गुरुजी सबसे अलग स्पेशल ध्यान देने लगे मेहनत पे प्रैक्टिस पे सारे पे, तो फिर 2009 में फिर गोल्ड मेडल आया, फिर नेशनल में 2 बार मेडल आया, तो 2017 और 19 में दिल्ली केसरी बना, 17 और 18 लगातार 2 बार दिल्ली केसरी, राजस्थान केसरी बना, UP अलीगढ़ केसरी बना। इंटेंस वर्कआउट्स, immense physical and mental strength as well as rapid thinking and actions are key to success for a wrestler. Hence,
A good and balanced diet, rich in proteins, is crucial for wrestlers. डेली के कम से कम ना कुछ तो आधे किलो बादाम चाहिए, 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को। उनमें फिर हम एक दो किलो पानी निकालते हैं, वो पीना पड़ता है बादाम में। दूध हमारा 4 किलो का, जूस है कम से कम 8-7 गिलास जूस होता है मौसमी का। सेब होते हैं, अनार होते हैं, ड्राई फ्रूट पूरा होता है। ये हमारा टाइम टेबल, सुबह हमारा 10 बजे का खाना होता है, 10 बजे हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी। 3 बजे से 7 बजे तक एक्सरसाइज पर लगे रहते हैं, और खा रहे हैं पल्टी मारनी, ट्रेनिंग करनी और ये अपने जोर करने, फिर उसके बाद बादाम तुरंत। एक लड़का रहता है मेरे साथ, वो बादाम पीस के देता है मुझे। उसके बाद बादाम वही 250 ग्राम बादाम है, 200-150 गिरी आती है उसमें, 200 गिरी आ जाती होंगी, वो पीसते हैं उसमें, 2-1 किलो पानी निकल जाता है, वो पीते हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद ही जूस, फिर अंडे वगैरह हो गए, जैसे अंडे भी खा लेते हैं। अंडा खा अखाड़े में तो अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर खाते हैं, बाहर खा लेते हैं। गुरुजी ने कह रहा है कि बाहर खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी रहो, अपने जमा सके खाते रहो बाहर, लेकिन अखाड़े में अलाउड नहीं है किसी के लिए। Besides a healthy diet to stay fit, the wrestlers have to follow a strict regimen, and discipline is key to their success. सोने हम 10 बजे सो जाते हैं, शाम को 10 हमारा लास्ट है। वही खाना पीना सुबह 3-4 बजे खड़ा होना पड़ता है, 4:30-4 बजे खड़े जाते हैं, तो कोसा डंडा लेकर खा जाता है हमारे ऊपर, नहीं खड़े होंगे तो। सुबह रनिंग करने ले जाता है, यहाँ से हमारे स्टेडियम में आ गया अपोलो के पास, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से फिर आगे पढ़ाए कालकाजी मंदिर है, वहाँ पहाड़ी पर ले जाते हैं, वहाँ एक्सरसाइज करवाते हैं। तो हमारा सप्ताह में बस एक दिन का रेस्ट रहता है, वो संडे का, कोई हमारा रेस्ट नहीं है, कोई नहीं है। संडे को हम मालिश करवाते हैं, रेस्ट लेते हैं। 4 घंटा सुबह प्रैक्टिस होती है, 4 घंटा शाम को होती है, और इसमें जितनी मेहनत करोगे उतनी कम है। ये एक रेसलिंग ऐसा गेम है, सबसे ज़्यादा डाइट चाहिए, सबसे ज़्यादा मेहनत चाहिए इसमें, और सबसे मेन चीज़ लगन होती है इसमें। जिसको लगन होगी और जो करेगा वो अच्छा होगा। Both Shamshad and Azad say they owe their careers as wrestlers to Jasram Singh, the founder of Jasram Akhada, whom they call their guru. Even though he passed away last year due to COVID-19, the wrestlers remember him fondly. They also say that the Akhada is a big support for the wrestlers as it offers them free stay and training, a key element as most of them hail from families that are not too well off. मैं 6 महीने किसी से बोलता नहीं था, गुरु जी को बोलते हैं ये लड़के बोलते नहीं है सीधा, ये क्या क्या बात। गुरु जी ने मुझको बिठाया, गुरु जसराम जी ने, उसने बोला मुझसे इधर बैठ, तुझे क्या दिक्कत है। तो मैं, गुरु जी कुछ नहीं, मैं कभी किसी को जानता नहीं हूँ, नए नए आया हूँ, पहली बार बाहर निकला हूँ घर से। जब तो मैं गाँव में कहता था, गाँव में खड़ा, गुरु जी मैं पहली बार निकला हूँ घर से। तो बोल रहा बेटा यहाँ से कुछ नहीं है, सब तेरे भाई है। तो मैं गया यहाँ से लड़ने कुश्ती इंदौर, इंदौर में कुश्ती बनी हुई थी, एक पहलवान था रिहान गामा, उससे कुश्ती बनी थी मेरी। वहाँ मुझे 41,000 रुपये और एक गधा होता है, गुरज वो दी थी मुझे। तो मैं वहाँ से कुश्ती 48 मिनट कुश्ती लड़ा था वहाँ मुझे, मैं और मेरे गुरुजी ने, वहाँ से मैं कुश्ती लड़का, मेरे गुरुजी ने मेरा यहाँ बढ़िया मान सम्मान करा। मुझे गुरुजी ने उस टाइम 50 रुपये दिए थे, मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहली बार 50 रुपये दिए, वो भी गुरुजी के हाथ के। तो मुझे, मैं बहुत खुश हुआ वैसे गुरुजी के। फिर मैंने गुरुजी के पैर लेकर उनको पैसा को अब तक रख रखे, मैंने वो अलग अपना फोन रख रखे कमरे में, अलग ही पैकेट में। फिर एक बार मुझे 20 रुपये दिए, एक बार 10 दिए मुझे। लेकिन गुरुजी ने जो भी मेरे वीडियो है कुश्ती है सब मेरे गुरुजी के फ़ोन में है। जोर करता था मैं जब भी, गुरुजी अपने फोन में वीडियो बनाता था मेरी, मेहनत करता जब भी। गुरुजी जाते थे यहाँ से, जब जब मैं, मेरी पूरी मेहनत हो जाती थी, जब तक जाते नहीं थे। तो यहाँ पे गुरु, हमारे जो गुरुजी थे वो बहुत अच्छे गुरुजी थे, सभी लड़कों का अच्छी तरह से बहुत ख्याल। सुबह शाम को, डेली शाम को 3 बजे आते, सभी बच्चों को पूछते किसी को कोई परेशानी दिक्कत कैसी भी, सारी और फैसिलिटी दी गुरुजी ने। यहाँ पर किसी के लिए रहने के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है सब के लिए। जो MP से हैं, राजस्थान से हैं, UP से हैं, सारे लड़का दूर दूर से, वो यहीं रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। Although young, both Azad and Shamshad already have a trail of many wins behind them, and they are eager to scale new highs. मेरा मिशन है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले बीच में मेरे प्रॉब्लम आ गई थी, डेंगू हुआ था, उस वजह से थोड़ा बीच में गैप हो गया। अब दोबारा से स्टार्ट किए, तो फिर दिल्ली स्टेट खेलूँगा, फिर नेशनल खेलूँगा, उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेलूँगा। सपना है देश के लिए कुछ करके दिखाने का। टेक्निक एंड टैक्टिक्स आर की टू मेकिंग अ सक्सेसफुल रेसलर, एंड शमशाद एंड आज़ाद से दे कीप लुकिंग एट टेक्निक्स यूज्ड बाय अदर्स एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। They are often helped by their coach to understand and use new techniques. They say that they follow both Indian and global players to stay abreast.
अभी हमारे हिंदुस्तान में 3-4 लड़के अच्छे हैं, बजरंग पूनिया हो गया, दीपक पूनिया हो गया, रवि दहिया हो गया, एक ये हमारा सत्यव्रत हो गया, ये हमारे लड़के अच्छे चल रहे हैं। और छोटे बेटे लड़के 2-3 अच्छे आ रहे हैं अभी निकल के नेशनल में, लेकिन उन्हें की कुश्ती देखता हूँ मैं, ज़्यादा अपना हिंदुस्तानी कुश्ती देखता हूँ, फिर विदेशी कुश्ती देखता हूँ कौन क्या कर रहा कौन क्या कर रहा, उसी हिसाब से फिर अपना मैट पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सुबह एक बच्चा ले जाता हूँ छोटा वाला, मेरे साथ बच्चे रहते हैं 3-4 उनमें से एक बच्चा लेके तो उन टेक्निक करता हूँ मैट पर, वही कोशिश करता हूँ फिर फॉर्म देख देख कर ये क्या हुआ, फिर मेरे पास नहीं आते मैं कोच साहब से पूछता हूँ अपने से, मेरे साथ कोच साहब रहते हैं मेरे, मैं उससे पूछता हूँ नहीं कोच साहब ये बताना ये कैसे ये कैसे, फिर वो मुझे बताते हैं, डंडा लेकर जाता है फिर मैं करता हूँ। The wrestlers say that they don't think other countries are much ahead of India in wrestling and outline what makes a great wrestler. हमारा दिल मजबूत होना चाहिए और दिमाग हमारा तेज होना चाहिए पहलवानी में सामने वाले को, और हमारी मेहनत अच्छी हो, अगर मेहनत अच्छी है और हमारा अंदर हुनर है तो हम किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब में जान बराबर होती है, बस खाली टेक्निक और दिमाग की जरूरत, बस वो टेक्निक्स और दिमाग, बस टेक्निक उसकी देखो ये क्या कर रहा है, टेक्निक ध्यान रखो, अपनी टेक्निक मारो उससे पहले, उसके देख के पहले उसको एक आध मिनट देखो वो क्या कर रहा, उससे पहले फिर अपनी टेक्निक लगाओ, क्योंकि यहाँ से फ्लॉफ है, मान लो वो पट में लग रहा तो पट का डिफरेंस करो, उस पर दूसरे अपने अटैक मारो, काउंटर अटैक मारो, कोई भी अटैक मारो, अपने अटैक मारो, खाली उसके सामने वाले का अटैक देखनी है। लूजिंग अ मैच कैन बी एज फुलफिलिंग एज विनिंग वन, एंड अ गुड रेसलर कैन लर्न फ्रॉम अ लॉस एज मच एज अ विन। हार से भी सीख मिलती है, हार गए तो हम पहलवान बनते हैं, हार के पहलवान बनते हैं। जब भी मेरी सबसे पहले जब कुश्ती हुई थी मेरी हुई थी यूपी में, तो मैं कुश्ती हारा था 250 रुपये पे, फिर मैंने दूसरी कुश्ती उसी दंगल तुरंत एक घंटे बाद कुश्ती में दूसरी 500 रुपये पे वो मैं जीता था, उससे मुझे सीख मिली थी कुश्ती से, अगर ये मुझे जब मैं तुरंत ही कुश्ती मारी, हार के भी जीत सीख मिलती है हमको, अगर हम हार के टेंशन करेंगे तो हम ज़्यादा अफसोस करेंगे नहीं, वो दिमाग में लगाओ हम हारे तो वो दिमाग में लगाओ हम कुश्ती हारे हैं, वो कुश्ती दिमाग में बिठा लो, खाली उसकी टेंशन मत करो, उसको टेंशन लगो तो आप पीछे चले जाओगे, ये करो उससे डबल मेहनत करनी जाकि हम आगे बढ़े, उसको दोबारा हराए, उसको तुरंत दोबारा हरा, एक महीने दो महीने बाद उसको तुरंत जवाब दो। हारा तो नहीं हूँ मैं, एक भी मैच नहीं हारा, एक भी मैच नहीं हारा, दंगल में 51,000 की कुश्ती लड़ी है मैंने, अभी दंगल हुआ था, मेरे दोस्त हैं खैर में वो दंगल कराते हैं, मेरी कुश्ती हुई थी 51,000 की कुश्ती जीती मैंने लास्ट कुश्ती, अभी तक मैं कुश्ती नहीं हारा एक भी।